नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले तीर्थ स्थानों के बारे में बताते हैं व उनसे जुड़े कई किस्से और कहानियों से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक और विश्व प्रसिद्ध स्थान के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कोलकाता में स्थित कालीघाट मंदिर के बारे में। कालीघाट काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित एक बेहद ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कालीघाट मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग के टुकड़े गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं और देवी पुराण में इन सभी 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि कालीघाट मंदिर स्थान पर ही माता सती के दाएं पांव की 4 उंगलियां गिरी थीं। कालीघाट काली मंदिर पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में मां काली के प्रचंड रूप के दर्शन होते हैं। मां काली की सोने से बनी लंबी जीभ बाहर निकली हुई है और उनके हाथ व दांत भी सोने से ही बने हुए हैं। कालीघाट में मां काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है तथा उनके हाथ में कुलाड़ी व उनकी जीभ से रक्त की कुछ बूंदें भी टपक रही हैं। इस बेहद ही सुंदर मंदिर के अंदर माता काली की लाल काली रंग की कास्टिक की पत्थर की मूर्ति भी स्थापित है। माँ की मूरत का चेहरा श्याम रंग में है और आंखें और सिर सिंदूरिया रंग में है। सिंदूरिया रंग में ही माँ काली को तिलक लगा हुआ है और हाथ में एक फांसा भी इसी रंग में रंगा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शक्ति प्रभाव की अधिष्ठात्री देवी काली का प्रभाव लाखों कोलकाता वासियों के मन पर है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी किसी बात पर रुष्ट हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वह मारा जाता। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। देवी ने गुस्से में उनकी छाती पर भी पांव रख दिया, परंतु तभी उन्होंने शिव को पहचान लिया। इसके बाद ही उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने नरसंहार बंद किया। एक और प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त ने भागीरथी नदी से प्रकाश की उज्ज्वला किरण देखी। उसने प्रकाश स्थित किया और एक मानव पैर की उंगली के रूप में पत्थर के टुकड़े की खोज की। इसके आसपास के क्षेत्र में उसने नकुलेश्वर भैरव का एक स्वयंभू लिंग भी पाया। इन सभी छवियों को उसने एक छोटे से मंदिर में रखा और जंगल में इनकी पूजा करने लगा। मंदिर की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती गई और इस तरह कालीघाट मंदिर को मान्यता मिली। अब बात करते हैं कालीघाट मंदिर के इतिहास की। माना जाता है कि कालीघाट मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से अस्तित्व में है। मूल मंदिर का एक छोटी झोपड़ी के आकार का ढांचा था जिसे राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया। कहते हैं कि यह मंदिर सन 1809 के आसपास बनाया गया था। कालीघाट शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी, जिसका संन्यास पूर्व नाम जिया गंगोपाध्याय था, ने की थी। सन 1836 में धार्मिक आस्था संपन्न जमींदार काशीनाथ राय ने इसका निर्माण कराया था। कालीघाट का यह मंदिर अघोर साधना और तांत्रिक साधना के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। कालीघाट मंदिर के पास स्थित केवड़तला शमशान घाट को किसी जमाने में शव साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कालीघाट परिसर में माँ शीतला माता का मंदिर भी है। माँ शीतला को भोज में शमीश भोज चढ़ाया जाता है। इसके अलावा कालीघाट की ही सड़क पर मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी यानी निर्मल हृदय का मुख्यालय भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं वे अपनी राय हमें ज़रूर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।